एरिया इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। तो सबसे पहले इसके अंदर हमें यह समझने की जरूरत है कि जी इन्वेस्टमेंट होती क्या, व्हाट इज इन्वेस्टमेंट, ठीक है। व्हाट इज इन्वेस्टमेंट पहले तो मैं बताऊंगा जी, पुट मनी टू गेट रिटर्न्स, ठीक है। सिंपल सी बात आ गई जी कि इन्वेस्टमेंट क्या है। इन्वेस्टमेंट उसको बोलते हैं कि आप कहीं पे पैसे डाल रहे हो इस नियत से कि जी आपको उसके रिटर्न्स मिलेंगे, कुछ ना कुछ आप उससे अर्न करोगे, वो है इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो अप्रेजल क्या है, व्हाट इज अप्रेजल, टू टेस्ट या कह लो टू टेस्ट वेदर इन्वेस्टमेंट इज फिजिबल, ठीक है। वैसे तो भाई अप्रेजल किसी भी चीज का हो सकता है, लेकिन यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिहाज से बात कर रहे हैं, तो टू टेस्ट वेदर इन्वेस्टमेंट इज फिजिबल, कि क्या इन्वेस्टमेंट आपके लिए फिजिबल है या नहीं है, उसे आपको इनफ रिटर्न मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो टुगेदर अगर आप मिक्स कर दोनों चीजों के, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के, भाई आप ये देख अटेस्ट कर रहे हो करोगे कि क्या इन्वेस्टमेंट आपको इनफ रिटर्न्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो हम लोग जो है यहाँ पे बेसिक इन्वेस्टमेंट अप्रेजल टेक्निक्स देखेंगे, ठीक है। बेसिक इन्वेस्टमेंट अप्रेजल टेक्निक्स देखेंगे इस क्लास में, और वो क्या है। नंबर वन, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जिसको आप प्यार से क्या कहोगे, ROCE, ठीक है। और दूसरी बेसिक इन्वेस्टमेंट अप्रेजल टेक्निक है पे बैक, ठीक है, जो थोड़े और चैलेंजिंग टेक्निकल एरियाज इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अच्छा जी, तो हम लोग अब शुरू करते हैं इनसे। और सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा जी, ROCE। हम लोगों ने सबसे पहले किस पे बात करनी है, ROCE पे, यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ROS पे, ठीक है। इसको हम लोग और क्या कहते हैं, इसको हम लोग अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न भी कहते हैं, ठीक है। दिस इज ऑल्सो नोन एज अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। और किस तरह हम लोग ROCE कंप्यूट किस तरह करते हैं जी, एवरेज एनुअल प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, डिवाइडेड बाय इनिशियल कैपिटल कॉस्ट, मल्टीप्लाई बाय 100%, ठीक है। अच्छा जी, एक और इसका मेथड है निकालने का, और वो क्या है, एवरेज एनुअल प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, डिवाइडेड बाय
एवरेज कैपिटल इन्वेस्टमेंट, मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, अब एवरेज इन्वेस्टमेंट हम लोग किस तरह निकालते हैं? कैन बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज। किस तरह निकालेंगे भाई? इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्लस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, एग्जाम में इनिशियल कैपिटल कॉस्ट आप लोग कंप्यूट करोगे, निकालोगे, अनलेस जब तक आपको बोला नहीं जाएगा तब तक आप अगर नहीं बोला तो आपको ये निकालनी है। ठीक है, और जो रोज की जो कैलकुलेशन है वो बेस करेगी एवरेज कैपिटल इन्वेस्टमेंट पे, मेथड जो कि मोस्ट कॉमनली एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा, राइट। और ये क्वेश्चन में आपको बताया जाएगा कि भाई कि आपको क्या इनिशियल कैपिटल यूज करना है या एवरेज का यूज करना है। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पे डिसीजन रूल हमारा क्या होगा? डिसीजन रूल बहुत सिंपल है। इफ द एक्सपेक्टेड रोज फॉर द इन्वेस्टमेंट इज ग्रेटर देन द टारगेट और हर्डल रेट, then the project should be accepted। ठीक है, expected rose जो investment का वो rate ज्यादा होगा target से, जो भी rate होगा उससे ज्यादा होगा तो भाई project जो है वो आप accept कर लें, ये इसका डिसीजन रूल है। ठीक है, अब इसके लिए जरा हम लोग क्या करते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं। ओके, एग्जांपल आप हमारे पास आ रही है, प्रोजेक्ट इन्वॉल्व्स द इमीडिएट परचेज ऑफ एन आइटम ऑफ प्लांट एंड मशीनरी कॉस्टिंग 110,000। इट वुड जनरेट एनुअल कैश फ्लोस ऑफ $24,000 फॉर 5 years एंड स्टार्टिंग इन ईयर 1। The plant purchase would have a scrap value of $10,000 in 5 years time when project terminates. Depreciation is on straight line basis. अच्छा जी, requirement है कि जी ROCE आपको निकालनी है initial capital cost को use करते हो करते हुए और average capital investment दोनों को के लिहाज से। ठीक है, तो simply annual cash flows जो है, जैसे कि हमने देखा था कि वो निकालेंगे हम लोग प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन को देखते हुए। ठीक है, तो पहले एवरेज एनुअल डेप्रिसिएशन निकालते हैं, एवरेज एनुअल डेप्रिसिएशन निकालें जरा किस तरह आएगी। 110,000 स्क्रैप वैल्यू कितनी है? 10,000 डिवाइडेड बाय 5 कितनी आ गई? 20,000। ठीक है, अच्छा जी, एवरेज एनुअल प्रॉफिट निकालते हैं अब। एवरेज एनुअल प्रॉफिट निकालना है हमें, एवरेज एनुअल प्रॉफिट निकालते हैं अब। ओके, सेकेंड, यस,
24 एवरेज एनुअल प्रॉफिट किस तरह निकलेगा? ₹24,400 -20,000, ये आ गया 4,400 एनुअल प्रॉफिट। ठीक है, अच्छा जी, तो पहले इनिशियल कैपिटल कॉस्ट का वो यूज करें, कितना आएंगे? एवरेज एनुअल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय इनिशियल कैपिटल कॉस्ट किस तरह होगा? 4,400 डिवाइडेड बाय 110,000 मल्टीप्लाई बाय 100%, ये आपका आ गया 4%। ठीक है जी, सो फार सो गुड, यहाँ तक आई होप क्लियर है। ठीक है जी, तो अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग दूसरा मेथड देखते हैं कि उस पे हम लोग किस तरह करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे इससे पहले कि भाई कंफ्यूज हैं आप लोग, इट्स 24,400, सॉरी लिखने में गलती कर दी। एनीवेज आगे बढ़े, 80s। अच्छा जी, अब हमें कौन सा है, एवरेज कैपिटल इन्वेस्टमेंट का मेथड यूज करना है। एवरेज कैपिटल इन्वेस्टमेंट का मेथड यूज करना है, तो उसके अंदर एवरेज एनुअल प्रॉफिट शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं मैं। एग्जाम में आप लोग ना ये करना भाई शॉर्ट फॉर्म्स, 4,400। ठीक है, इनिशियल कॉस्ट प्लस स्क्रैप वैल्यू। अब एवरेज बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स हमारी क्या थी, इनिशियल कॉस्ट प्लस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय 2 निकालेंगे। एवरेज बुक वैल्यू ऑफ एसेट, इनिशियल कॉस्ट प्लस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय 2, कितना आ जाएगा? 110,000 प्लस 10,000 डिवाइडेड बाय 2, कितना आ जाएगा? 60,000। ठीक है, 60,000। अब हम लोग क्या करते हैं, सिंपली आरओसीई निकाल देते हैं। आरओसीई हमारा किस तरह निकलेगा? एवरेज एनुअल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एवरेज बुक वैल्यू ऑफ एसेट मल्टीप्लाई बाय 100%, तो ये हमारा आ गया 4,400 डिवाइडेड बाय 60,000 मल्टीप्लाई बाय 100, ये आपका आ गया 7.33%। ठीक है, और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या होता है, ये वाला एंड ऑफ द एग्जाम्पल। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आगे देखते हैं जनाब। अब हमारे पास एक और एग्जाम्पल है, ठीक है, और उस एग्जाम्पल को हम लोग करते हैं। ओके जी, हमारे पास एक और एग्जाम्पल आती है, अ प्रोजेक्ट रिक्वायर्स एन इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ $100,800,000। ठीक है, एंड देन अर्न्स नेट कैश इन फ्लोज पर ईयर, पहले साल में 100 मिल रहे हैं, फिर दूसरे साल में 200, तीसरे साल में 400, चौथे साल में 400, फिफ्थ ईयर में 300, सिक्स ईयर में 200 और सेवन्थ ईयर में 150, ये कैश फ्लोज हमारे आ रहे हैं। इन एडिशन एट द एंड ऑफ द सेवन ईयर द प्रोजेक्ट ऑफ सेवन ईयर ऑफ द प्रोजेक्ट द एसेट्स इनिशियली परचेज विल बी सोल्ड फॉर 100,000, यानी कि जो एसेट शुरू में लिया था 100,000 का वो भी सेल होगा। ठीक है, वही डिटरमाइन द प्रोजेक्ट आरओसीई यूज इन इनिशियल कैपिटल कॉस्ट और एवरेज कैपिटल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो एवरेज एनुअल इनफ्लोस इन सब को हमने एड अप कर लेना है। ठीक है, को निकालने के लिए इन सबको हम लोग ऐड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे क्या निकालना है जी,
एवरेज एनुअल इनफ्लो, ठीक है, किस तरह निकलेगा? 100 प्लस 200, ये 3 हो गए, 700, फिर 1100, ये हो गए 1400, 1516 और 150, तो ये आ जाएंगे 1750, ठीक है, 1750 डिवाइडेड बाय 7, ये मेरा आ जाएगा 250। अच्छा जी, एवरेज एनुअल डेप्रिसिएशन, अब हमें वो निकालनी है, तो किस तरह निकलेगी भाई? 800 और जो आखिर में एसेट सोल हो रहा है 100 का, ये स्क्रैप वैल्यू हो गई, तो 800 माइनस 100 डिवाइडेड बाय 7, 100, ठीक है, नेट 700 जो है वो रिटर्न ऑफ होगा एज डेप्रिसिएशन ओवर 7 इयर्स, ठीक है। अच्छा जी, अब एवरेज एनुअल प्रॉफिट मेरा कितना आएगा? एवरेज एनुअल प्रॉफिट मेरा कितना आएगा जनाब? 250,000 था माइनस 100,000, सो 150 आ गया, ठीक है। अच्छा जी, एवरेज कैपिटल इन्वेस्टेड एट हंड्रेड थाउजेंड प्लस 100,000 डिवाइडेड बाय 2, कितना आ गया? 450, 450,000, ठीक है। अब हम लोग सबसे पहले अपने इनिशियल कैपिटल कॉस्ट के हिसाब से रोज निकालते हैं, तो ए आर ओ सी ई एवरेज एनुअल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय इनिशियल कैपिटल कॉस्ट, ठीक है। सो एवरेज एनुअल प्रॉफिट मेरा कितना था? 150,000 डिवाइडेड बाय 800,000 इनिशियल कैपिटल कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय 100, कितना आ जाएगा? 18.75%। और बी आर ओ सी, अब हमने निकालना है कैपिटल इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, तो एवरेज एनुअल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एवरेज कैपिटल इन्वेस्टमेंट 150,000 डिवाइडेड बाय 450,000 एंज करके ये आ गया हमारा कितना? 33.33%, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर है, और यहाँ पे आके जो है वो हमारा ये एग्जाम्पल जो है वो डन डना डन हो जाती है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, और अब हम लोग देखते हैं जनाब, सब सवाल ये आता है कि जी इनिशियल कैपिटल कॉस्ट में कौन कौन सी कॉस्ट आ सकती हैं? इनिशियल कैपिटल कॉस्ट में कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट्स, नंबर टू नेट बुक वैल्यू, नेट बुक वैल्यू किसी भी एग्जिस्टिंग एसेट की जो भी आप यूज कर रहे हो प्रोजेक्ट में, इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल, और कैपिटलाइज R&D यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स जो हैं वो इसके अंदर आ जाते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास अब हमें देखनी है कुछ एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस ROCE की, तो वो भी देखते हैं। सबसे पहले एडवांटेजेस देखते हैं जी, एडवांटेजेस क्या है भाई? सिंपल सिंप्लिसिटी, बहुत सिंपल है काम करना, ठीक है। इसका लिंक होता है दूसरे अकाउंटिंग मेजर्स के साथ,
अच्छा जी, आप बुराइयां देखते हैं कुछ डिसएडवांटेजेस, ठीक है? तो डिसएडवांटेजेस क्या हो सकती हैं? इसके अंदर प्रोजेक्ट लाइफ को कंसीडर ही नहीं किया गया, नो अकाउंट टेकन ऑफ प्रोजेक्ट लाइफ। टू, कैश फ्लोस के टाइमिंग का भी कोई ख्याल नहीं रखा गया भाई, उसको भी नहीं कंसीडर किया गया, नो अकाउंट ऑफ टाइमिंग ऑफ कैश फ्लोस। एंज करके ये डिसएडवांटेजेस भी हमारी जो हैं तकरीबन हो गई हैं। और आपको कुछ डिसएडवांटेज बुराइयां कर लेते हैं। इट में इग्नोर वर्किंग कैपिटल, इट डज नॉट मेजर एब्सोल्यूट गेन। इससे आपको एब्सोल्यूट गेन कितना आ रहा है वो आपको एक यानी कि एब्सोल्यूट मेजर कितना हो रहा है, कितना गेन हो रहा है, ये आपको नहीं बताता ये, ठीक है? और ये आपको ये भी क्लियर नहीं कर रहा कि क्या आया इन्वेस्टमेंट की जाए या नहीं की जाए। देर इज नो डेफिनेटिव इन्वेस्टमेंट सिग्नल। ठीक हो गया। सो ये हमारी इसके अंदर डिसएडवांटेजेस आ गई हैं। आई होप यहाँ तक क्लियर है, अब आगे चलते हैं, ठीक है? और आगे चल के हम लोग अब इसके अंदर क्या देख रहे होंगे, अब हम लोग बात करेंगे अकाउंटिंग प्रॉफिट्स और अकाउंटिंग प्रॉफिट्स और कैश फ्लोज का रोल देखते हैं जनाब। अकाउंटिंग प्रॉफिट्स एंड कैश फ्लोज। तो भाई जब भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल कर रहे हो ना, तो इट इज ज्यादा अप्रोप्रिएट ये है कि आप इवेल्युएट कर लो किसको, फ्यूचर कैश फ्लोस को, ठीक है? आप पूछो, अब बोलो सोच रहे हो कि भाई क्यों, रेदर देन के अकाउंटिंग प्रॉफिट्स को आप इवेल्युएट करो, आप कैश फ्लोस को करोगे क्यों क्यों क्यों, ऐसा क्यों? उसकी कुछ रीजन है। पहला, प्रॉफिट्स को खर्च नहीं कर सकते, दूसरी रीजन प्रॉफिट्स सब्जेक्टिव होते हैं, थर्ड कैश की आपको जरूरत होती है टू पे डिविडेंड्स, ठीक है? कैश फ्लोज और रेलेवेंट कॉस्ट, कैश फ्लोज और रेलेवेंट कॉस्ट पे जरा बात करें। तो जितने भी मेथड आप यूज कर लो इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, सवाय आरओसीई के, सिर्फ और सिर्फ रेलेवेंट कैश फ्लोज कंसीडर किए जाएंगे। और वो रेलेवेंट कैश फ्लोज कौन से होते हैं भाई, जो कि फ्यूचर में होने जाने होंगे, इंक्रीमेंटल कॉस्ट और कैश बेस्ड, ठीक है? यानी कि डेप्रिसिएशन अमाउंटाइजेशन इररेलेवेंट है, सही है? तो इग्नोर किसको मारना है,
अब वो भी बता देता हूँ, इग्नोर आप किसको करोगे, तो भाई संक कॉस्ट जो कि डूब चुकी है, जो कि माजी में हो चुकी है, पास्ट में हो चुकी है, कमिटेड कॉस्ट जो कॉस्ट आप कमिट कर चुके हो उसको आप कंसीडर करोगे। फिर नॉन कैश आइटम्स, नॉन कैश आइटम्स को आप करोगे देखोगे, और एलोकेटेड कॉस्ट। ये भी आप देख लेंगे, ठीक है। आई होप यहां तक क्लियर है, ठीक है। यहां अब हम लोग देखेंगे इसको, पे बैक मैथड ऑफ अप्रेजल को, पे बैक मैथड ऑफ अप्रेजल को अब हमने देखना है। आइए अब इसको देख, ओके जी। अब पे बैक मैथड ऑफ अप्रेजल यानी पे बैक को हम लोग देखते हैं, पे बैक है क्या। द पे बैक पीरियड इज अ टाइम इज द टाइम अ प्रोजेक्ट विल टेक टू पे बैक द मनी स्पेंट ऑन इट, ठीक है। इट इज बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेड कैश फ्लोस एंड प्रोवाइड्स अ मेजर ऑफ लिक्विडिटी। पे बैक क्या है, टाइम है जो कि हम प्रोजेक्ट पे लगा रहे होते हैं, यानी कि वो टाइम के जिसमें हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो हमारी रिकवर हो जाए, ठीक है। लेट से हमने एक प्रोजेक्ट पे लगाए 1 लाख रुपया, ठीक है, और वो 1 लाख रिकवर करने में लेट से लग गए, हमें लग गया 1 साल, तो पे बैक पीरियड कितना हुआ, 1 साल हुआ। और ये एक्सपेक्टेड जो कैश फ्लोज होते हैं उसकी बेसिस पे इसको हम लोग मेजर करते हैं, ठीक है जी। सो अब डिसीजन रूल क्या है, बहुत सिंपल सा डिसीजन रूल है, पहला ओनली सेलेक्ट प्रोजेक्ट्स प्रोजेक्ट्स विच पे बैक विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड नंबर टू चूज between options on the basis of fastest payback पहला सेलेक्ट करें उन प्रोजेक्ट्स को जो कि स्पेसिफाइड टाइम पीरियड साल 2 साल 3 साल 4 साल के अंदर आपको पे बैक कर दो, उन ऑप्शंस में से पिक करें जो कि आपको सबसे जल्दी पे बैक कर रहा हो, ठीक है। यानी कि कोई प्रोजेक्ट आपको साल में कर रहा है, कोई 2 साल में कर रहा है, कोई 3 साल में कर रहा है, कोई 4 साल में कर रहा है, तो भाई साल वाले को करो ना, ये कह रहा है भाई आपको, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या है, पे बैक
पीरियड इज इक्वल टू इनिशियल इन्वेस्टमेंट, डिवाइडेड बाय एनुअल कैश फ्लो। ठीक है, अब हम लोग इसकी एग्जाम्पल्स को देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल हमारे सामने कि एन एक्सपेंडिचर ऑफ 2 मिलियन इज एक्सपेक्टेड टू जनरेट नेट कैश इनफ्लोस ऑफ 500,000 ईच ईयर फॉर नेक्स्ट 7 इयर्स, व्हाट इज द पे बैक पीरियड फॉर द प्रोजेक्ट। ठीक है, तो सिंपली कितने भाई, 2 मिलियन अगले 7 सालों में आने आपके पास, डिवाइडेड बाय क्या फॉर्मूला बताया था, एनुअल कैश इनफ्लोस। एनुअल कैश इनफ्लोस भाई हमारे बन रहे हैं 500,000, ईयर के हिसाब से कितना आ जाएगा, 4 इयर्स। ठीक है, सो ये था इसका सॉल्यूशन, आगे बढ़ते हैं। अच्छा भाई, जरूरी नहीं है कि पे बैक पीरियड जो है वो एग्जैक्ट नंबर ऑफ इयर्स का हो, जिस तरह भी हमने एग्जांपल करी है कि जी पूरे 4 साल आ रहे हैं। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है 4 साल 3 महीने, 3 साल 6 महीने एंड सो ऑन। ठीक है, तो इस तरह का भी सिनेरियो हो सकता है। अब मंथ्स में लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, आइए देखते हैं। टू कैलकुलेट द पे बैक इन ईयर्स, इन ईयर्स एंड मंथ्स, यू शुड मल्टीप्लाई द डेसिमल फ्रैक्शन ऑफ अ ईयर बाय 12 टू नंबर ऑफ मंथ्स। ठीक है भाई, क्या भाई क्या बात करी है, बहुत सिंपल सी बात करी है, इसमें रॉकेट साइंस बड़ी है नहीं कि कैलकुलेट करना है पेबैक ईयर्स को, पेबैक को ईयर्स में और मंथ्स में, तो आप मल्टीप्लाई करोगे डेसिमल फ्रैक्शन को बाय 12 ताकि आपको नंबर ऑफ मंथ्स मिल जाए। ठीक है, तो हमने किस तरह करेंगे, जरा आप इसकी प्रैक्टिस करके देखते हैं, इसकी एग्जाम्पल देखते हैं। ओके, आप देखो एग्जाम्पल आपके पास आ रही है कि प्रोजेक्ट के अंदर आप कितने कितना खर्च हो रहा है प्रोजेक्ट में, 1.8 मिलियन का। एनुअल कैश इनफ्लोस कितने के, 350,000 के, और वही आपसे मांग रहा है कि भाई बता दो कि पे बैक पीरियड क्या होगा। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, पे बैक निकालते हैं भाई, 1.8 मिलियन डिवाइडेड बाय 350,000, तो ये मेरा कुछ आ रहा है, आएगा 5.1429 years। ठीक है, अब 1429 years का क्या मतलब है, इसको देख लेते हैं, 0.1429 मल्टीप्लाई बाय 12, ये मेरा कुछ बनेगा 1.7। ठीक है, तो अब जाहिर है 5 से ऊपर जा रहा है, तो हम कह देंगे 5.2। ठीक है, 5 years 2 months ज्यादा सूटेबल होगा मैथमेटिक्स के हिसाब से। ठीक है, आई होप क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं और एक और सिनेरियो देखते हैं पेबैक के लिहाज से, और वो क्या है, अनइवन एनुअल कैश फ्लोस। एनुअल कैश फ्लोस का, ठीक है, अनइवन एनुअल कैश फ्लोस आपने देखने हैं। तो भाई इन प्रैक्टिस रियल वर्ल्ड में ऐसा तो सर बहुत ही अनलाइकली सिनेरियो हो जाएगा कि जी हर साल
5 लाख 5 लाख 5 लाख आ रहे हैं, हो सकता है किसी साल 1 लाख आ रहा है, किसी साल 5 लाख आ रहा है, किसी साल 10 लाख आ रहे हैं, किसी लाख 7 लाख आ रहे हैं, एंड सो ऑन। ठीक है, किसी साल 1 लाख आ रहे हैं, किसी साल 3 लाख आ रहे हैं, किसी साल 5 लाख आ रहे हैं, किसी साल 7 लाख आ रहे हैं, इस तरह हो सकता है। तो बात ये हो गई कि पे बैक वेयर, सॉरी, वेयर कैश फ्लोज आर अनइवन, जैसे कि अभी बात जिक्र करा हमने। ठीक है, पे बैक इज कैलकुलेटेड बाय वर्किंग आउट द क्यूम्यूलेटिव कैश फ्लो ओवर द लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट। ठीक है, आप किस तरह करेंगे उसके लिए हम लोग एग्जाम्पल करते हैं। ठीक है जी, सो एग्जाम्पल आ गया, व्हाट इज दिस, व्हाट इज एक्सपेक्टेड टू हैव फॉलोइंग कैश फ्लोस, 0, 1, 2, 3, 4, 5 ईयर्स आ रहे हैं। कैश फ्लो आपका आ गया, पहले आ रहा है, पहले साल में 1900 की इन्वेस्टमेंट हो रही है, फिर 300 आए, ईयर 0 में 1900 आप इन्वेस्ट कर रहे हो, ईयर 1 में आपके पास 300 आएंगे, फिर 500 आएंगे ईयर 2 में, फिर ईयर 3 में 600 आएंगे, फिर ईयर 4 में 800 आएंगे, और फिर ईयर 5 में 500 आएंगे। ठीक है, सो हम लोग क्या करते हैं जनाब, इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो ईयर्स, पहले तो ईयर्स, ईयर 0, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4 और ईयर 5। ठीक है, कैश फ्लो 1900, 300, 500, 600, 800 और एंड में 500। फिर ये आ गया आपका क्यूमुलेटिव कैश फ्लो 1900। पहले तो जाहिर है इन्वेस्ट करा है, 300 हमारे पास आ रहे हैं नेक्स्ट ईयर में, नेगेटिव 1600 नजर आ रहा होगा, फिर उससे अगले साल 500 आ रहे हैं, तो अभी भी नेगेटिव 1100 आ रहा होगा। ठीक है, अच्छा जी, फिर हमारे पास 600 आ रहे हैं, तो अभी भी नेगेटिव 500 आ रहा होगा। अच्छा जी, या 4 में जाके आप पॉजिटिव 300 पे चले जाओगे, तो समवेयर इन ईयर 4 और फिर नेक्स्ट जा रहा है ईयर 5 में भी 500 आ रहे हैं, तो आप 800 हो जाएगा। तो हम लोग पॉजिटिव कहाँ हो रहे हैं, हम लोग पॉजिटिव समवेयर इन ईयर 4 हो रहे हैं। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि ऑब्वियसली 4 ईयर्स, ईयर 4 ईयर तो कंफर्म है। ठीक है, सॉरी, हम लोग ईयर 3 के बाद ईयर 4 में हो रहे हैं, तो 3 ईयर्स फ्यू मंथ्स हो रहा होगा, 3 ईयर्स और कुछ महीने आ रहा होगा। अब वो कुछ महीने कितना आ रहा होगा वो हमें देखना है। ठीक है, तो हम किस तरह देखेंगे, किस तरह देखेंगे जी, जैसे मैंने बताया, बात करी कि जी किसके दरम्यान है, ईयर 3 और 4 के दरम्यान है। ठीक है, यानी कि ड्यूरिंग 4 ईयर, अब ये वो टाइम है जहाँ पे क्यूमुलेटिव कैश फ्लो जो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव में हो रहे हैं, कॉन्स्टेंट रेट ऑफ कैश फ्लो आपका आ रहा होगा। तो हम लोग एस्टिमेट करेंगे पे बैक 3 ईयर्स और कुछ महीने, तो किस तरह होगा भाई, 500 डिवाइडेड बाय 800। ठीक है, जो कि ईयर 4 में, क्योंकि -500 एट द स्टार्ट ऑफ ईयर है, ठीक है, और फिर 800 हो रहा है, तो एनीवेज
ये हमारा आ जाएगा 0.625, तो 3 इयर्स 6.2, 6.25। अब 6.25 को मल्टीप्लाई बाय 12 कर दो, क्या आ जाएगा 7.5। ठीक है, तो ये आपका 3.75, आप यूं कह दो कि भाई 3.8 मंथ्स में आपकी पे जो है वो इन्वेस्टमेंट रिकवर हो रही है। ठीक है, फॉर प्रैक्टिस हम लोग क्या करते हैं, एक एग्जांपल और। तो पे बैक पीरियड हम लोग किस तरह कंप्यूट करेंगे भाई, पहले तो हमारा आ जाएगा ईयर, ईयर जीरो और यहाँ पे कैश फ्लो और यहाँ पे क्यूमुलेटिव कैश फ्लो। ठीक है, तो ईयर जीरो, ईयर जीरो में हमारा कितना है 3100। ठीक है, यहाँ पे भी 3100। आगे बढ़ो भाई, ईयर वन, ईयर वन 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 कितना आया भाई 1000, 1000 आ गया, तो जाहिर है हमारा यहाँ पे 2100 नेगेटिव आ रहा होगा। ईयर टू में हमारे पास कितने आए 900 आ गए, तो जनाब 900 जब हमारे पास आ गए तो -1200 अब हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं ईयर थ्री में, ईयर थ्री में हमारे पास आ गए 800 और, तो 800 जब और आ गए तो -400 आ रहा होगा। और ईयर फोर में 500 और आ गए तो 100। ठीक है, और ईयर फाइव में 100 पॉजिटिव हो गया ईयर फोर में, और ईयर फाइव में फिर 500 आ गए तो 600। कहानी अभी यहां खत्म नहीं हुई है। तो भाई अगेन ईयर फोर में, ईयर थ्री में देखो नेगेटिव है, ईयर फोर में आके पॉजिटिव हो रहा है। इसका मतलब है कि कहानी इन 2 सालों में बदल रही है, इन 2 सालों में ईयर थ्री और फोर के दरमियान बदल रही है, तो ईयर थ्री और फोर में जाके जो है ये पॉजिटिव होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लेंगे इसको पे बैक जो है 3 और 4 के दरमियान है, तो हम लोग अज्यूम करेंगे कॉन्स्टेंट रेट ऑफ कैश फ्लो थ्रू द ईयर, और उसके लिए हम लोग एस्टिमेट करेंगे कि जी पे बैक जो है वो 3 साल है प्लस 400 ये डिवाइडेड बाय, क्योंकि ईयर फोर में कितना आ रहा है 500 आ रहा है, तो 400 डिवाइडेड बाय 500 कितना आ गया 3 ये आपका आ जाएगा 3.8 ईयर्स। ठीक है, 3.8 ईयर्स आ जाएगा, 3 तो कंफर्म है, 0.8 इंटू 12 करेंगे तो ये आ जाएगा 10 मंथ्स। ठीक है, तो हम लोग बोल देंगे 3 इयर्स 10 मंथ्स, दैट्स इट। ठीक है, यहाँ पे हमारा ये सिनेरियो इसका आई होप आपको क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखते हैं। ठीक है, क्या एडवांटेजेस हैं भाई बोलो भाई। एक तो भाई सबसे पहली बात सिंपल है, सिंपल टू कैलकुलेट, इजी टू, अच्छा जी ये इट इज यूजफुल इन रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजी भाई, जैसे सैमसंग के फोन आते रहते हैं भाई, उनकी लाइफ 1 साल होती है, तो उसके ये आपको बता देगा कि किस तरह बेहतर हो सकता है। फिर और इट हेल्प्स इन कंपनी ग्रोथ, कंपनी ग्रोथ में ये आपको हेल्प करता है। ठीक है, फिर इट यूजेस
कैश फ्लो, नॉट अकाउंटिंग प्रॉफिट। कैश फ्लो यूज करता है, अकाउंटिंग प्रॉफिट यूज नहीं करता। डिसएडवांटेज, बुराई करो, बुराइयों में क्या आ जाएगी इसकी? डिसएडवांटेज क्या आ जाएगी? इट इग्नोर्स पे बैक, पीरियड, सॉरी, इट इग्नोर्स रिटर्न आफ्टर पे बैक। भाई के पे बैक के बाद कितना रिटर्न आ रहा है ये आपको इग्नोर करेगा, ये नहीं बताएगा। दूसरा, इट इग्नोर टाइमिंग ऑफ कैश फ्लो, ये इग्नोर कर रहा है टाइमिंग ऑफ कैश फ्लो को। फिर ये नंबर थ्री, ये सब्जेक्टिव है, ठीक है, कोई डेफिनेटिव इन्वेस्टमेंट सिग्नल नहीं है। फिर ये इग्नोर करता है प्रोजेक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी को। प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबिलिटी, ठीक है, आई होप यहां तक क्लियर है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू की लिहाज से आप, ये इंपॉर्टेंट होगा कि आप डिस्कस करेंगे फीचर्स क्या हैं, पे बैक क्या एज एन इन्वेस्टमेंट अप्रेजल टेक्निक, और आपको कैलकुलेशन भी इसकी लाजमी तौर पे आनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये वाला एरिया जो है वो एंड होता है। सी यू नेक्स्ट टाइम विद द नेक्स्ट लेसन, तब तक के लिए टाटा बाय।